नमस्कार। पिछले वीडियो में मैंने आपको अधिगम किसे कहते हैं और अधिगम की विशेषताएं ये सभी बता दिया था। आज हमें इसके आगे का पढ़ना है। चलिए आइए शुरू करते हैं। देखिए, आज हम पढ़ेंगे कि अधिगम के चरण क्या हैं, अधिगम के प्रकार और अधिगम के स्तर। ठीक है, अधिगम के चरण से क्या मतलब है आप समझिए कि अब इसे आप उदाहरण से समझ सकते हैं कि जब हम किसी चीज़ के चरण की बात करते हैं, हम कोई भी कार्य करते हैं, चाहे अधिगम है या अपने सामान्य जीवन में हम कोई भी कार्य करते हैं, तो उसके लिए क्या है, एक छोटे छोटे प्रोसेस डिवाइड होते हैं, उस तरीके से वो कार्य संपन्न होता है। ठीक है, जैसे अगर आप एक विद्यार्थी हैं, सुबह आपको कॉलेज जाना है, तो आप उसकी एक प्रक्रिया होगी। ठीक है, जैसे आप कॉलेज जाने से पहले अपना क्या करेंगे, अपना बैग संभालेंगे, कॉपी किताबें उसमें रखेंगे। ठीक है, आप खुद ड्रेसअप होंगे। ठीक है, उसके बाद क्या, आप कन्वेंस लेंगे, उसके बाद आप जाकर विद्यालय पहुंचेंगे। ठीक है, ये एक प्रोसेस है ना, छोटे छोटे प्रोसेस में बटकर ही तो इस विद्यालय तक पहुंचे। तो ये चीज़ क्या है, प्रोसेस है। इसी को क्या, ऐसे ही अधिगम के चरण होते हैं। जैसे आप अगर कोई चीज़ सीखने चल रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि डायरेक्ट आप उठे और आपने उठकर एकदम सीख लिया। छोटे छोटे चरणों में ये प्रोसेस डिवाइड है, उसके बाद जो है अधिगम की प्रक्रिया संपन्न होती है। ठीक है, तो यही ये चरण है, इन चरणों को हमें पढ़ना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि अधिगम एक उद्देश्य आधारित या लक्ष्य आधारित प्रक्रिया है, कि अधिगम के साथ कोई ना कोई लक्ष्य अवश्य ही जुड़ा होगा। ठीक है, यदि अधिगम के साथ लक्ष्य जुड़ा हुआ नहीं है और अधिगम के फलस्वरूप व्यवहार में जो परिवर्तन होता है वो स्थायी नहीं है, तो वो अधिगम नहीं कहलाएगा। अधिगम कब होगा, जब जो भी व्यवहार में हमारे परिवर्तन हो रहा है वो स्थायी रूप से होना चाहिए। यदि आपको मेरी बात ये ढंग से समझनी है, तो आप हमारा पिछला वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो आप समझ गए ना। तो अधिगम का लक्ष्य क्या है, अधिगम का जो उद्देश्य है वो क्या है, आपका लक्ष्य की प्राप्ति जो है वो स्थायी रूप से होनी चाहिए। तो ये चरण, सबसे पहले अधिगम के चरण पढ़ते हैं क्या है। सबसे पहला चरण है अभिप्रेरणा, जो अक्सर परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि अधिगम का प्रथम चरण क्या है, तो वो है अभिप्रेरणा। ठीक है, अभिप्रेरणा, उद्देश्य प्राप्ति हेतु क्रियाशीलता, बाधाएं, विभिन्न अनुक्रियाएं, पुनर्बलन, संगठन, और संगठन से क्या हो जाएगा, लक्ष्य की प्राप्ति। ठीक है, ये क्या है, अधिगम के चरण है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि अधिगम एक लक्ष्य आधारित प्रक्रिया है या उद्देश्य आधारित प्रक्रिया है, यानी अधिगम के साथ कोई ना कोई उद्देश्य अवश्य ही जुड़ा है, यानी इससे यहाँ तक के आपको पहुंचना है। ठीक है, अधिगम से शुरुआत करके आपको कहाँ पहुंचना है, लक्ष्य की प्राप्ति। तो लक्ष्य की प्राप्ति तक आप पहुंचेंगे कैसे, जब इन चरणों से होकर आप गुजरेंगे। सबसे पहले अभिप्रेरित, क्रियाशील, बाधाएं, विभिन्न अनुक्रियाएं, पुनर्बलन और संगठन, तब लास्ट में आप कहाँ पहुंच जाएंगे, लास्ट में आप पहुंचेंगे लक्ष्य की प्राप्ति, यानी आप अपना लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, तो इन्हीं चरणों को हमें पढ़ना है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं, सब पहला चरण क्या है, अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा क्या है, मोटिवेशन, यानी कि जब तक किसी भी कार्य के लिए मोटिवेट नहीं है, अभिप्रेरित नहीं है, तो क्या वो आप कार्य करेंगे, नहीं करेंगे ना। अगर आपके अंदर आपको भूख लगी होगी तो ही तो खाना खाएंगे, वरना नहीं खाएंगे। तो एक बात ध्यान रखिए, अभिप्रेरणा आपको, अभिप्रेरित आप होंगे कब, आप अभिप्रेरित तब होंगे जब आपको किसी चीज की आवश्यकता होगी। जब किसी चीज की आवश्यकता होगी तभी आप अभिप्रेरित होंगे, तभी उस चीज को सीखेंगे। समझ में आया ना बात, नहीं समझ में आई तो उदाहरण से समझिए। देखिए, अगर आप, जैसे आप लोग हैं, तैयारी कर रहे हैं टीचर बनने के लिए, ठीक है, टीचर बनने की तैयारी तो कर रहे हैं, तो जब आप टीचर बनने की तैयारी कर रहे हैं तो समझने की कोशिश कीजिए, अगर आपके पास कोई आवश्यकता नहीं है टीचर बनने की, ठीक है, आपके मान लीजिए कुछ भी हो सकता है, आप क्या हो सकता है कि आप डिपेंड बनना चाह रहे हैं इसलिए आप चाहते हैं कि टीचर बन जाए, या टीचर का फील्ड आपको बहुत पसंद हो इसलिए आप टीचर बनना चाहते हैं, ठीक है, या आप अपने आप को फाइनेंशली इतना मजबूत करना चाहते हैं, तो क्या कर रहे हैं, तो आप सोचते हैं कि हम सरकारी जॉब में जाएं तो टीचर का जॉब आपको बहुत अच्छा लगता है इसलिए आप टीचर बनना चाहते हैं। तो कोई ना कोई आवश्यकता हर किसी की है टीचर बनने की, या फिर मतलब सरकारी नौकरी प्राप्त करने की, इसीलिए तो अभिप्रेरित होकर हम पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है ना, तभी तो अभिप्रेरित हुए। तो बात समझ में आया, जब तक आवश्यकता नहीं है तब तक कोई भी व्यक्ति अभिप्रेरित नहीं होता। जब आवश्यक, यानी अभिप्रेरणा से कौन जुड़ा हुआ, आवश्यकता, आवश्यकता होने के बाद ही आप अभिप्रेरित होंगे। जब आपकी आवश्यकता आपको अभिप्रेरित करेगी कि ऐसा होना चाहिए, तब अभिप्रेरित होकर आप क्या करेंगे, तब आप क्या होंगे, क्रियाशील हो जाएंगे उस कार्य के प्रति,
समझ में आया। जब आप अप्रेरित हो गए तो तब आप क्या होंगे, क्रियाशील होंगे। और जब भी हम कोई कार्य करने के लिए क्रियाशील हो जाते हैं, कार्य की शुरुआत करते हैं, तो ये तो आपने सबने सुना होगा कि लो ऐसा कार्य करना शुरू किया और समस्याएं तुरंत खड़ी हो गई। तो कोई भी कार्य होता है, करना शुरू करते हैं तो बाधाएं आती हैं। उन बाधाओं को पार करने के लिए हम क्या करते हैं, बहुत सारी अनुक्रियाएं करते हैं, मतलब बहुत सारी ऐसी क्रियाएं करते हैं जिनसे वो बाधाएं समाप्त हो जाएं। जब वो बाधाओं समाप्त हो जाती तो क्या प्राप्त होता है, पुनर्वलन प्राप्त होता है। और पुनर्वलन प्राप्त होने के बाद क्या होता है, संगठन हो जाता है। और संगठन के बाद लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है। ये चरण है, ठीक है, ये चरण मैंने आपको समझा दिए। कुछ समझ में नहीं आए होंगे, कोई बात नहीं, अभी उदाहरण से आपको समझाऊंगी, सब चीज समझ में आ जाएगी एकदम क्लियरली, ठीक है। सबसे पहले मैंने आपको उदाहरण दिया कि आपको टीचर बनना है। टीचर क्यों बनना है, कि कोई ना कोई आवश्यकता आपकी जरूर जुड़ी होगी, और टीचर बनना है यही क्या है, आप अभिप्रेरित है, ठीक है। आपकी कोई आवश्यकता, मान लीजिए आप फाइनेंशली मजबूत होना चाहते हैं, ठीक है, तो आप टीचर बनना चाहते हैं, तो इसका मतलब आपकी आवश्यकता है टीचर बनना। और जब आपकी आवश्यकता है टीचर बनना, तो इसका मतलब क्या है, आप अभिप्रेरित हो गए, ठीक, टीचर बनने के लिए अभिप्रेरित हुए। जब आप टीचर बनने के लिए अभिप्रेरित हो गए तब क्या हुआ, अब आप अभिप्रेरित, हमें टीचर बनना है, तो आप क्या करेंगे, कुछ ना कुछ तो करेंगे, तो क्रियाशील होंगे, ठीक है। भाई टीचर बनना ऐसा तो नहीं घर में बैठे हैं कुछ नहीं कर रहे हैं टीचर बन जाएंगे, ऐसा तो नहीं होगा, ठीक है। अभिप्रेरित हुए तो आप क्या करेंगे, क्रियाशील होंगे, अपने उद्देश्य को प्राप्त करेंगे। आपका उद्देश्य क्या है, आपका उद्देश्य है टीचर बनना, ठीक, तो उसके लिए आप क्रियाशील हो जाएंगे। तो क्रियाशील होकर आप करेंगे क्या, आप पढ़ाई शुरू करेंगे, यही तो करेंगे ना, कि आप उस उनको पता करेंगे कि टीचर बनने के लिए क्या क्या करना है, ठीक है, उस हिसाब से आप क्या करेंगे, पढ़ाई को शुरू करेंगे, ठीक। फिर जब आप क्रियाशील हो गए, आपने सोचा नहीं हम पढ़ाई करेंगे अच्छे से, सारी तैयारी करेंगे, सारी कंपटीशन क्वालिफाई करेंगे, उसके बाद जो है हम टीचर बन जाएंगे, ये आपने सोचा, आप क्रियाशील हो गए, आपने कहा हम पढ़ना शुरू कर देंगे, आपने पढ़ाई शुरू भी कर दी, मान लीजिए। फिर क्या होगा, जब आपने पढ़ाई शुरू करी तो क्या होगा, बाधाएं आएंगी। अब आप कहेंगे कि बाधाएं कैसे आ गई पढ़ाई शुरू करने में, समझिए, जब आप किसी कंपटीशन की तैयारी करने चलते हैं तो या तो आप खुद सेल्फ स्टडी करेंगे या आप कोई कोचिंग ज्वाइन करेंगे, आपके पास स्टडी मटेरियल होना चाहिए। अब हो सकता है कि आपके पास कोचिंग ज्वाइन करने के लिए क्या ना हो, पैसे ही ना हो, इतना रुपया ना हो कि आप कोचिंग ज्वाइन कर पाए, ठीक है, या आपके परिवार से आपको इतना सहयोग ना मिल रहा हो, ठीक है। कभी कोई आपने देखा होगा कि पुराने विचारों के होते नहीं चाहते हैं कि लड़कियां बाहर जाकर कोचिंग करें, जिस लड़कियों को इस तरह की भी समस्याएं फेस करनी पड़ती हैं, ठीक है, ये बाधाएं हो सकती है। या फिर आपको इतना अच्छा कोई गाइड करने वाला हो ही नहीं कि आपको बता सके कि आप किस तरह से तैयारी करें, आपके पास अच्छा गाइडेंस ना हो, अच्छा बुक्स मटेरियल ना हो, ठीक है, तो ये सारी बाधाएं हैं जो आपकी पढ़ाई में आ रही हैं, ठीक है। अब इतनी बात तो सभी को पता है कि हमें जब भी हम किसी कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई गाइडेंस तो चाहिए ही, वो गाइडेंस ही आपके पास नहीं है, तो ये बाधाएं हैं। तो इन बाधाओं को दूर करने के लिए आप क्या करेंगे, आप विभिन्न अनुक्रियाएं करेंगे। वो अनुक्रियाएं क्या होंगी, जैसे कि मान लीजिए आपका परिवार आपको मना कर रहा है, तो आप क्या करेंगे, आप अपने परिवार को अपनी बात को समझाने की कोशिश करेंगे, उन्हें मनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अगर आपके पास फाइनेंशियल दिक्कत है तो आप कुछ ना कुछ इंतजाम करेंगे अपनी कोचिंग की फीस देने के लिए। फिर क्या करेंगे, अब आपको अगर ये भी मान लीजिए पता करना है कि कौन सी कोचिंग अच्छी है, आप ऑनलाइन कोचिंग करें कि ऑफलाइन करें, तो आप क्या करेंगे, आप ऑनलाइन कोचिंग की डेमो क्लासेस देखेंगे, ऑफलाइन जाकर 2-3 दिन की डेमो क्लासेस हर जगह चलती हैं वो देखेंगे, कौन सा टीचर अच्छा पढ़ा रहा है, ठीक है। या आपको अगर बुक्स मटेरियल चाहिए तो आप बुक्स स्टॉल पर जाएंगे, वहां जाकर क्या करेंगे, बुक्स को सर्च करेंगे, अगर आपसे कोई योग्य है तो उससे सलाह लेंगे, इस तरह की क्रिया करेंगे। फिर इनमें से जो सही अनुक्रिया होगी, मान लीजिए सही अनुक्रिया क्या, आपने इतने सारे कार्य करके देखे और आपको अच्छा क्या लगा कि ऑनलाइन कोचिंग हमारे लिए सुटेबल है, अगर आपको ये लगा, ठीक है, उसमें आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा, फीस भी कम पड़ेगी और पढ़ा भी अच्छा रहे, आपने ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन कर ली और आपको वो अच्छी लग रही, समझ में आ गई, तो इन विभिन्न अनुक्रियाओं में से क्या हुआ, आपने एक सही अनुक्रिया चुन ली जो आपके लिए आपकी समझ में सही है, ठीक है। जब वो सही अनुक्रिया आप चुन लेंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा, पुनर्वलन प्राप्त होगा। पुनर्वलन क्या होता है, पुनर्वलन वह होता है कि ऐसा कार्य जिसे करने के बाद आपको उसको बार बार करने का मन चले, ठीक है, वो आप बार बार उस क्रिया को दोहराएं तो वो क्या कहलाता है, पुनर्वलन कहलाता है, ठीक है। तो जब आप सही अनुक्रिया कर लेंगे तो क्या होगा, जब आपने जान लिया कि आपने ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन कर ली वो अच्छी है, आपको उसकी पढ़ाई भी समझ में आ रही, तो आप बार बार पढ़ेंगे ना उसको, आपको पता है किस टाइम हमारी कोचिंग होगी, आप उस टाइम रेडी होकर बैठ जाएंगे पढ़ने के लिए, ठीक है, तो वो ये क्या है, ये पुनर्वलन प्राप्त होगा। और बार बार आप जो है अपनी कोचिंग की पढ़ाई को करेंगे और सुचारू रूप से करने लगेंगे, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, संगठन,
यानी क्या हुआ, अब आप संगठित हो चुके हैं, समझ में आ रहा है ना। जब आपने ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन कर ली, आपकी पढ़ाई ठीक से शुरू हो गई, ठीक है, अब क्या आपका जो लक्ष्य है उसकी ओर आप संगठित हो गए हैं कि अब हमें इतने टाइम से इतने टाइम पढ़ना है, ठीक है, आपने पूरी अपनी जो लाइफ है उस हिसाब से एडजस्टमेंट कर लिया है कि हमको कैसे क्या करना है, किस तरीके से अच्छे से परीक्षा को देनी है। और जब यही सब आपका हो जा रहा है तो उसको क्या कहते हैं, संगठन कहते हैं। और जब आप अच्छे से संगठित हो जाएंगे तो आपको लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी और आप अपनी कंपटीशन क्वालिफाई करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करके टीचर अवश्य बन जाएंगे, ठीक। ये क्या है, अधिगम के विभिन्न चरण, ठीक, बात समझ में आया। मैंने आपको इसी उदाहरण देकर समझाया कि ताकि आप अच्छे से समझ सकें, कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, ठीक। अब इतनी बात समझ में आ गई, ये तो था आपको समझाने के लिए। परीक्षा की दृष्टि से आप याद रखिएगा कि जो है, अगर आपसे पूछ दिया जाए कि अधिगम का प्रथम चरण तो अभिप्रेरणा है, हो सकता है अभिप्रेरणा के स्थान पर कभी आपको गुमराह करने के लिए वो आवश्यकता लिख दें, तो भी अधिगम का, अगर उसमें अभिप्रेरणा ऑप्शन में नहीं है, आवश्यकता लिखा हुआ है, तो अधिगम का प्रथम चरण आप आवश्यकता को लगा सकते हैं, ठीक है, अगर अभिप्रेरणा ऑप्शन में नहीं है। क्योंकि अभिप्रेरणा होगी कब, मैंने आपको पहले भी समझाया, अभिप्रेरणा तभी होगी जब आवश्यकता होगी। अगर किसी चीज की आवश्यकता नहीं है तो व्यक्ति अभिप्रेरित नहीं होगा। आपके पास पैसे की कमी नहीं है, अतः पैसा आपके पास भरा हुआ है, तो क्या पैसा कमाने की आप सोचेंगे, नहीं सोचेंगे ना। पैसा कमाने की तभी सोचेंगे जब हम ये सब चाहेंगे कि हम अपने जीवन को और अच्छे ढंग से चलाएं, ठीक है। अगर हमारे पास खुद ही समुद्र की तरह भरा हुआ है तो क्यों कोई प्रयास करेगा, नहीं ना। मूवी तभी चलेगा ना जब पेट खाना मांगेगा, ठीक, ये बात ध्यान रखिएगा। तो मेरा समझाने का मतलब सिर्फ इतना है कि अभिप्रेरित व्यक्ति तभी होता है जब किसी प्रकार की कोई आवश्यकता हो, अन्यथा वो नहीं होगा, ठीक। तो प्रथम चरण अभिप्रेरणा है, और मैंने आपको बताया ऐसे, अब आप ये कभी भूलेंगे नहीं अगर आपने मेरी बात को ध्यान से समझा होगा, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई। इसके बाद हमें क्या पढ़ना है, अधिगम के चरण तो मैंने आपको बता दिए क्या होते हैं। इसके बाद जो है हमारा अगला टॉपिक है अधिगम के प्रकार, ठीक, इनको भी आइए समझ लेते हैं। अधिगम के प्रकार, सामान्य तौर पर जब हम बात करते हैं तो अधिगम के प्रकार तीन प्रकार में बांटा गया है, गामक अधिगम, प्रतिबोधात्मक अधिगम और संकल्पनात्मक अधिगम, ठीक है, समझ में आया। तो गामक अधिगम का मतलब क्या है, इसी को यांत्रिक अधिगम भी कहते हैं, क्रियात्मक अधिगम भी कहते हैं, गत्यात्मक अधिगम भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। गामक अधिगम क्या है, ये शारीरिक क्रियाओं से संबंधित है, ऐसा अधिगम जिसे हम अपनी शारीरिक क्रियाओं करके सीख पाए, ऐसा सीखना जो स्थायी है, हमारे व्यवहार में परिवर्तन ला रहा है, लेकिन क्या जो हमारे शारीरिक क्रियाओं से संबंधित है, जिसे हम अपनी शारीरिक क्रियाओं से सीख सकते हैं, ठीक है, वो अधिगम कौन सा अधिगम कहलाएगा, गामक अधिगम, ठीक। अगर हम उदाहरण की तौर पर कहें कि जैसे कि आप क्रिकेट खेलना सीखेंगे, तो क्रिकेट खेलना क्या बिना हाथ पैर चलाए आप सीख जाएंगे, नहीं सीखेंगे ना भाई। बैट पकड़ना आपको सीखना है, बॉल फेंकना सीखना है, तो हाथों का मूवमेंट आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है, पैर को कहाँ से कहाँ रखना ये सब सीखना पड़ेगा। तो ये कौन सा अधिगम कहलाएगा, क्रिकेट, अगर क्रिकेट आपको सीखना है, कोई भी खेल आपको सीखना है, तो वो कौन सा अधिगम कहलाएगा, गामक अधिगम, जिसमें आप शरीर से कुछ भी सीख रहे हैं, शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से आप कुछ भी सीख रहे हैं, वो कैसा अधिगम है, गामक अधिगम, और जो स्थायी होता है, ठीक है। तो अब अगर आपसे ये प्रश्न पूछ दिया जाए, समझिए कि शैशवावस्था में किस प्रकार का अधिगम होता है, ठीक है, शैशवावस्था में बालक किस अधिगम से किस प्रकार के अधिगम से सीखता है, तो शैशवावस्था में बच्चा जिस अधिगम से सीखता है वो है गामक अधिगम, ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं कि गामक अधिगम मैंने इस तरीके से लिख दिया तो आप ये कहें कि गामक अधिगम सिर्फ शैशवावस्था ही में होता है, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर ये आपसे पर्टिकुलर प्रश्न ही कर दिया जाए कि शैशवावस्था में किस प्रकार का अधिगम होता है, तो शैशवावस्था में बच्चा जो है वो गामक अधिगम के द्वारा अधिगम कार्य करता है या सीखता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, इसलिए मैंने इसे लिखा, ठीक है, अब ध्यान रखिएगा। तो अब शैशवावस्था को आप समझ लीजिए कैसे, देखिए छोटा बच्चा होता है, जो शैशवावस्था के बच्चे होते हैं, वो उनमें इतनी बुद्धि का विकास तो होता नहीं कि वो अपनी बुद्धि से सब कुछ समझ लें और आपने कहा और वो कर दें, इस तरीके से तो नहीं हो सकता ना। तो क्या करते हैं, अनुकरण करके, मैंने आपको बताया था शैशवावस्था की विशेषता भी कि बच्चे अनुकरण करते हैं, तो अनुकरण करके सीखते हैं। तो जैसे भी वो आपके शारीरिक क्रियाओं को देखते हैं, उनको उनका अध्ययन करते हैं, उनको देखते हैं, समझते हैं, उन्हीं का अनुकरण करके, वैसे ही करके वो क्या करते हैं, चीज़ों को सीख लेते हैं। अब जैसे छोटा बच्चा होता है, जब उसे पहली बार लिखना सिखाते हैं तो क्या करते हैं, उसका हाथ पकड़ पकड़ के ही तो लिखना सिखाते हैं,
हाथ पकड़ के तो लिखना सिखाते हैं, बेटा ऐसे लिखो इस तरीके से, ऐसे तो नहीं मुंह से कह देते कि चलो आ बनाओ, उसे कुछ भी नहीं बताया और कह दिया आ बना के दिखाओ, ए बना के दिखाओ, तो बच्चा नहीं दिखा पाएगा ना। पहले हम उसे बनाना सिखाते हैं, खुद हम बताते हैं देखो ऐसे बनेगा, एक डंडा करेंगे इस तरीके से बताते हैं, आपने भी कभी किसी ना किसी छोटे बच्चे को जरूर पढ़ाया होगा, तो ऐसे तो बताते हैं कि पहले इस तरीके से बनाओ, फिर उसका हाथ पकड़ पकड़ सिखाते हैं। तो ये क्या है, अनुकरणी तो है, आपने देखा होगा, ये चीज समझी होगी जरूर अपने जीवन में, किसी ना किसी छोटे बच्चे को जरूर पढ़ाया होगा, तो इतनी बात आप समझ रहे होंगे। तो बच्चे कैसे सीखते हैं, अनुकरण करके सीखते हैं, ठीक है। आपने कभी छोटी लड़कियों को देखा हो, जैसे उनकी माँ जो है साड़ी वगैरह पहनने का प्रयास करती हैं, लड़कियां खुद भी वैसे ही प्रयास करती हैं अनुकरण करके, हर चीज जैसा हम लोग बोलते हैं छोटे बच्चे वैसे ही बोलने का प्रयास करते हैं। इस तरीके का अनुकरण के बारे में मैंने आपको बताया था। ऐसी जब वो अधिगम, गामक अधिगम जो होता है वो किसमें होता है, शैशवावस्था में। अगर शैशवावस्था में अधिगम पूछा जाएगा तो आप बताएंगे गामक अधिगम, और इसमें जो अधिगम की विधियां अगर पूछी जाए तो कौन सी विधि होती है, अनुकरण विधि। अब अगर आपसे ये प्रश्न पूछ दिया जाता है कि शैशवावस्था में बच्चे किस अधिगम विधि से सीखते हैं, तो अनुकरण विधि होगी, और किस अधिगम से, तो वो गामक अधिगम, ठीक। अगर आपसे क्या कहते हैं, अधिगम की विधियां पूछ दी जाए तो शैशवावस्था में कौन सी, अनुकरण विधि, ठीक है। अनुकरण मतलब क्या, दूसरे को देखकर जिस तरीके से वो कर रहा है और शारीरिक क्रियाएं हो रही है, तो गामक अधिगम, ठीक है। तो शैशवावस्था में किस प्रकार का हो गया, अनुकरण विधि, बात समझ में आया। इसके बाद प्रतिबोधात्मक अधिगम, प्रतिबोधात्मक अधिगम ये किस अवस्था की विशेषता है, ये बाल्यावस्था में। अगर आपसे पूछा जाए कि बाल्यावस्था में किस प्रकार का अधिगम होगा, तो वो प्रतिबोधात्मक अधिगम होगा, ठीक है। अब ये बात समझिए कि बाल्य प्रतिबोधात्मक अध्ययन है क्या। देखिए प्रतिबोधात्मक अधिगम में क्या होता है कि इस जो अधिगम है, इस प्रकार के अधिगम में बच्चे में क्या, उसकी खुद की समझ भी थोड़ी सी डेवलप हो जाती है, ठीक है। अब जैसे शैशवावस्था का बच्चा था, उसकी खुद की समझ तो कुछ डेवलप थी नहीं, ठीक है, उसकी बुद्धि का इतना विकास तो था नहीं, इसलिए उसने जैसा देखा वैसे ही अनुकरण किया, वैसे ही सीखा। लेकिन बाल्यावस्था में क्या होता है कि बच्चे की खुद की बुद्धि का भी थोड़ा विकास हो जाता है, और वो क्या करता है, प्रत्ययों का निर्माण करने लगता है। प्रत्यय का अर्थ समझते हैं, जैसे आपके सामने कोई भी चीज कही जाए, बोली जाए, तो उसके चित्र आपके दिमाग में छप जाए, ठीक है। अब इसे उदाहरण से समझने की कोशिश कीजिए, जैसे कि बाल्यावस्था के बच्चों के आगे आप कहिए कि गाय का निबंध लिखिए, तो उनके दिमाग में ऑटोमेटिक गाय की तस्वीर छप के आ जाएगी, ठीक है, गाय की तस्वीर छप के आ जाएगी, और उसके बाद वो निबंध लिखेगा कि गाय के चार पैर होते हैं, पूंछ होती है, दो सींग होती है, वो व्हाइट कलर की होती है, इस तरीके के निबंध छोटे बच्चे लिखते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, उसने गाय का प्रत्यय निर्माण कर लिया, ठीक, अपने दिमाग में गाय का जो है चित्र उसके दिमाग में आ गया। ऐसा नहीं कि आपने कहा गाय और बच्चा घोड़ा बनाने लगेगा, ऐसा नहीं होगा ना, उसके दिमाग में गाय ही बन के आएगी, यानी कि अब वो चीजों को अलग करना सीख चुका है, ठीक है, जो कि शैशवावस्था में उसने नहीं सीखा था। बाल्यावस्था में वो चीज सीख, ये सीख लिया उसने कि किस चीज को वो जानता है, पहचानता है चीज को। अगर शैशवावस्था के बच्चे के आगे आप कह देंगे गाय, तो हो सकता है वो नहीं समझ पाएगा कि गाय क्या है, या गाय और कुत्ते में वो भेद नहीं कर पाएगा, पर बाल्यावस्था में वो भेद कर लेता है। और इस अवस्था में बच्चा जो है इस प्रकार का अधिगम करता है, उसे क्या कहते हैं, प्रतिबोधात्मक अध्ययन, ठीक। अगर आपसे पूछा जाए कि बाल्यावस्था में बच्चा किस प्रकार का अधिगम करता है, तो प्रतिबोधात्मक अध्ययन करता है, ठीक है। कैसा करता है, प्रतिबोधात्मक अधिगम करता है, समझ में आया। और इसकी विधि कौन सी रहेगी, प्रयत्न एवं भूल की, ठीक है। वो बार बार प्रयास करेगा और कुछ चीजों को क्या, अगर गलतियां कर देगा, तो बहुत से लोग अपने कहते हैं ना कि गलतियों से सीखो, अपनी गलतियों से सीख जाते हैं कि एक बार गलती करी तो समझ जाएंगे, अगर एक बार गलती से नहीं समझ रहा, दो बार गलती करी, तीन बार गलती करी, गलती कर करके वो सीख जाएंगे कि ये गलत है, अब हमें इसे नहीं करना है, तो फिर वो गलती नहीं करेंगे, ठीक। इतनी बात समझ में आए। इसके बाद संकल्पनात्मक अधिगम, ठीक। संकल्पनात्मक अधिगम से क्या मतलब, इसमें क्या है कि ये किस अवस्था में होगा, किशोरावस्था में। अगर आपसे पूछा जाए कि किशोरावस्था में किस प्रकार का अधिगम होगा, तो संकल्पनात्मक अधिगम होगा, ठीक। इसमें क्या होता है कि व्यक्ति की चिंतन, कल्पना, इन सब की शक्ति बढ़ जाती है, ठीक है। कोई भी व्यक्ति है, उसकी कल्पना करने की शक्ति बढ़ जाएगी, उसकी चिंतन करने की शक्ति बढ़ जाएगी, ठीक है, तर्क करने की शक्ति बढ़ जाएगी, तब जो अधिगम करेगा वो कैसा होगा, संकल्पनात्मक अधिगम। इसका उदाहरण से आप समझ सकते हैं, आपने देखा होगा कि जो घर वगैरह का मैप बनाते हैं, जो इंजीनियर्स होते हैं जो घर वगैरह का मैप बनाते हैं, तो वो क्या करते हैं, आकर पहले खाली जगह को देख जाते हैं, ठीक है,
मान लीजिए कोई घर बनवा रहा है तो अपना घर का जो मैप बनवाता है तो वो आते हैं उनकी जगह को देख लेते हैं, खाली जगह उन्होंने देख ली कि खाली जगह पड़ी हुई, फिर वो अपने दिमाग की कल्पनाओं से उस जगह पर कौन सी चीज़ कहाँ पर किचन होना चाहिए, कहाँ पर बाथरूम बनना चाहिए, कहाँ पर बेडरूम बनना चाहिए, ये पूरा नक्शा कागज पर बनाकर तैयार कर देते हैं। ठीक, तो वो किस अधिगम से करते हैं? संकल्पनात्मक अधिगम। अब वो देख के तो खाली जगह गए थे ना, जगह के ऊपर कुछ खड़ा तो नहीं था कि कहीं पर कमरा बनाओ, कहीं कुछ बनाओ, ऐसा तो नहीं था। उन्होंने अपनी कल्पना शक्ति से कि इस जगह पर ये चीज़ सही रहेगी, यहाँ पर हवा भी आएगी, धूप भी आएगी, ऐसी उनकी क्या है कल्पना शक्ति, जो उन्होंने किससे प्राप्त किया है? अधिगम से प्राप्त किया है, उन्होंने अपनी ट्रेनिंग से प्राप्त किया था ना। मैंने बताया था ना प्रशिक्षण के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होता है वो स्थायी अधिगम होता है, तो वो कौन सा है? संकल्पनात्मक अधिगम। किशोरावस्था में बच्चे की चिंतन शक्ति का, तर्क शक्ति का विकास अच्छे से हो जाता है, इसलिए इस अवस्था की में कौन सा अधिगम होता है? संकल्पनात्मक अधिगम। अगर किशोरावस्था के बालक के आगे आप कोई बात कहते हैं तो वो अपनी कल्पना की शक्ति से भी इन चीज़ों को सीख लेता है, जरूरी नहीं कि उसको एक एक वर्ड हम रटाएंगे या क्या कहेंगे, वो अपने दिमाग में प्रत्यय का ही निर्माण करेगा। ठीक है, वो हर तरीके से, तो इस अवस्था में वो हर तरीके से सीख लेता है, तो इस अवस्था में क्या उसकी सूझ विकसित हो जाती है, तो वो किस विधि से सीखता है? सूझ विधि से, अपनी सूझ से वो सीख लेता है। ठीक है, तो किस प्रकार का अधिगम हो गया? संकल्पनात्मक अधिगम किशोरावस्था में। ठीक, अब मैंने आपको बता दिया अगर आपसे अलग अलग भी प्रश्न पूछे जाएंगे कि शैशवावस्था में किस प्रकार का अधिगम, तो कामक अधिगम, बाल्यावस्था में प्रतिबोधात्मक अधिगम, किशोरावस्था में संकल्पनात्मक अधिगम, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि गामक अधिगम सिर्फ शैशवावस्था में ही होगा, वो किसी भी अवस्था में हो सकता है, लेकिन शैशवावस्था की जो अगर मेन रूप से आपसे पर्टिकुलर प्रश्न किया जाएगा कि शैशवावस्था में किस कौन सा अधिगम होता है, तो वो गामक अधिगम ही होगा। ठीक है, ये तो हो गया सामान्य तौर पर बात। अब जब क्या है हमें अधिगम को एक थोड़े प्रकार से और पढ़ना है, वो भी हम पढ़ लेते हैं। अब क्या है अधिगम किए जाने वाले कार्य के आधार पर विभाजन। ठीक, अब क्या है अधिगम किए जाने वाले कार्य के आधार पर विभाजन, यानी इस प्रकार से अधिगम कितने प्रकार का हो गया, इस प्रकार से भी तीन प्रकार का, शाब्दिक अधिगम, गामक अधिगम, समस्या समाधान अधिगम, तीन प्रकार का अधिगम। ये किस तरह से बांटा गया है? जो अधिगम किए जाने वाला कार्य है, मतलब सीखने वाला जो कार्य है, उसके आधार पर जो अधिगम बांटा गया है उसमें शाब्दिक अधिगम, गामक अधिगम और समस्या समाधान अधिगम। तो शाब्दिक अधिगम के अंतर्गत क्या? ऐसा अधिगम जिसमें क्या आपका शब्द ज्ञान होना, आपका भाषा कौशल, शब्द और जो भी चीज़ आप सीख रहे हैं, जो भी चीज़ आप अधिगम कर रहे हैं उससे संबंधित भाषा का ज्ञान, उससे संबंधित शब्दों का ज्ञान, सब चीज़ आपको आनी चाहिए, तो वो अधिगम क्या कहलाएगा? शाब्दिक अधिगम। जैसे अगर आप किसी कोई स्पीच देने की तैयारी कर रहे हो, उसका अधिगम उसको सीख रहे हैं, तो क्या अगर आपको उस स्पीच के शब्द या भाषण के शब्द आपको नहीं याद हैं तो क्या आप भाषण दे पाएंगे? क्या उसे आप अच्छे से बोलना सीख पाएंगे? जब तक वो आपको याद ही नहीं है तो आप नहीं दे पाएंगे ना। या आप कोई गाना गाने की तैयारी कर रहे हैं, गाना सीख रहे हैं, तो ये बताइए अगर गाने के वर्ड या शब्द जो हैं वो वर्डिंग लिरिक्स आपको याद नहीं है, आप तो क्या आप उन्हें बोलकर गा पाएंगे? नहीं गा पाएंगे ना। जब गाना तो आपको याद करें, यानी उनके शब्दों को तो आपको याद करना ही है, तभी तो आप लय सुर ताल निकाल के गाना गा पाएंगे। तो यदि गायन की बात करी जाए तो वो कौन से अधिगम के अंतर्गत आएगा? शाब्दिक अधिगम के अंतर्गत। ठीक है, बात समझ में आया? यानी ऐसा अधिगम जिसके लिए आपको भाषा शब्दों का ज्ञान होना बहुत जरूरी हो, तो वो अधिगम क्या कहलाता है? शाब्दिक अधिगम कहलाता है। बात समझ में आ गई? जैसे कि अगर मैं हिंदी में आपको संज्ञा पढ़ाऊँ, ठीक, संज्ञा पढ़ाती हूँ, तो संज्ञा अगर मैं आपको यही नहीं बता पाऊंगी कि संज्ञा किसे कहते हैं, तो इसके लिए क्या मुझे भाषाई ज्ञान होना जरूरी है? अब ऐसा तो है नहीं कि मैं अपने शरीर की क्रियाकलापों से आपको भाषा समझा दूंगी, नहीं समझा पाऊंगी ना, या संज्ञा समझा दूंगी, नहीं समझा पाऊंगी। तो क्या होगा, उसके लिए मुझे संज्ञा का एक पर्टिकुलर परिभाषा याद होनी चाहिए, और परिभाषा याद होने के लिए क्या जरूरी है? उसके अंतर्गत जितने भी शाब्दिक ज्ञान है वो सब हमें होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा अधिगम जिसके लिए शब्दों की जरूरत हो, ठीक है, कैसा कहलाता है? शाब्दिक अधिगम कहलाता है। ठीक, इसके बाद नंबर दो पर आता है गामक अधिगम। ठीक है, तो ये गामक अधिगम क्या है? जैसे मैंने ऊपर आपको बताया सेम टू सेम वही है, कुछ अंतर नहीं है, खाली वो मैंने आपको एक सामान्य तौर पर बताया ये अधिगम किए जाने वाले कार्य के, जो हम अधिगम शरीर की क्रियाओं से सीखे वो गामक अधिगम कहलाता है। अब जैसे कि आप कैसी टाइपिंग सीख रहे हैं, ठीक है, टाइपिंग आप सीखने जाते हैं, तो अगर आप सीखने सिखाने वाला आपसे कह दे कि चलिए इस उंगली को इसको चलाइए, इसी उंगली को उसको चलाइए, फिर आपसे थोड़ी देर बाद पूछे टाइपिंग आ गई, तो क्या आ जाएगी? नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि जब तक आप उसका प्रयास अपनी उंगलियों को नहीं सिखा देते, ठीक है, कीबोर्ड पर आपकी उंगलियां चलने का अभ्यास बार बार नहीं करेंगी,
उस व्यक्ति का अनुकरण, उंगलियों को देखकर आप अनुकरण करना नहीं सीखेंगे, तब तक क्या आपको आ जाएगा? नहीं आएगा, नहीं आएगा ना, खुद आप समझिए। जब बार बार आप, ये महीने दो महीने आपको लगेंगे आपकी उंगलियों को क्या प्रैक्टिस करते हुए, तब क्या होगा, जब आपकी उंगलियां क्रियाशील हो जाएंगी उस पर, तब गामक अधिगम होगा, ठीक, तब आपको टाइपिंग आएगी। तो उंगलियों ने आपका कार्य करना सीखा ना, तो शरीर का क्रियाएं चली, तो ये क्या कहलाएगा, गामक अधिगम। अब अगर आपको डांस सीखना है तो, या आपको क्या कहते हैं, योग सीखना है, योगाभ्यास करना है या डांस सीखना है, तो क्या बिना शारीरिक क्रियाओं के ये कार्य संभव है? नहीं होंगे ना। डांस सीखना है तो शरीर को तो चलाना ही पड़ेगा, शारीरिक क्रियाएं तो करनी पड़ेंगी, कूदना पड़ेगा, नाचना पड़ेगा, ये सब क्या होगा, किससे होगा, तो ये कैसा अधिगम कहलाएगा, गामक अधिगम। अब ये तो हो नहीं सकता कि आप डांस कर रहे हैं और आप मुंह से बोल रहे हैं, तो क्या मुंह से बोलकर डांस हो सकता है? नहीं हो सकता ना। ऐसे ही अगर आप गाना गा रहे हैं तो आप डांस करने लीजिए, करिए, गाना मत गाइए, तो क्या कोई समझ जाएगा कि आप कौन सा गाना गा रहे हैं? नहीं ना। तो आप समझने की कोशिश कीजिए, यदि आपको गाना गाना है तो आपको शाब्दिक अधिगम का ज्ञान, मतलब शाब्दिक अधिगम से सीखना पड़ेगा, यदि आपको डांस करना सीखना है तो आप किससे सीखेंगे, गामक अधिगम से। तो समझ में आया, जिसमें शारीरिक क्रियाएं हो रही हैं तो कैसा, शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से कोई चीज सीख रहे हैं तो गामक अधिगम, और यदि शाब्दिक क्रियाओं के माध्यम से कोई चीज सीख रहे हैं तो शाब्दिक अधिगम। समस्या समाधान अधिगम के अंतर्गत क्या, जीवन में जो भी कठिनाइयां आती हैं उन्हें हम जिस तरीके से भी निपटाएंगे वो क्या कहलाएगा, समस्या समाधान। हमारे जीवन में आने वाली कोई भी कठिनाई है वो तो समय निर्धारित करता है कि उसे हम किस हिसाब से निपटाएंगे, वो क्या कहलाता है, समस्या समाधान अधिगम। वो समस्या हमें सिखा कर जाती है कि हमें किस समस्या को कैसे निपटाना है, तो वैसा अधिगम क्या कहलाएगा, समस्या समाधान अधिगम। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर होगी। इसके बाद हम पढ़ते हैं शिक्षण उद्देश्य के आधार पर अधिगम के प्रकार, पक्ष या क्षेत्र। ये मैंने ऐसे क्यों लिखा, शिक्षण उद्देश्य के आधार पर, देखिए शिक्षण उद्देश्य के आधार पर ये जो है ज्ञानात्मक पक्ष, क्रियात्मक पक्ष और भावात्मक पक्ष, ये क्या कहलाते हैं, ये क्षेत्र कहलाते हैं। ठीक है, ये कितने, बेंजामिन ब्लूम ने जो थे शैक्षणिक उद्देश्यों के जो क्षेत्र बताए थे वो ये तीन क्षेत्र बताए हैं, ज्ञानात्मक पक्ष, क्रियात्मक पक्ष और भावात्मक पक्ष। ठीक, ये क्षेत्र बताए। लेकिन आजकल परीक्षाओं का कोई ट्रेंड मुझे समझ में नहीं आता, हो सकता कोई भी प्रश्न कैसे भी पूछ सकते हैं, तो इसलिए मैंने आपको ये बता दिया है कि अगर आपसे ये पूछ दिया जाए कि शैक्षिक उद्देश्यों के आधार पर अधिगम के प्रकार, तो ये तीन प्रकार होते हैं, ज्ञानात्मक पक्ष, क्रियात्मक पक्ष और भावात्मक पक्ष। ये अलग टॉपिक ही है शिक्षण उद्देश्य का, उसके अंतर्गत जब मैं आपको पढ़ाऊंगी तो ये बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाऊंगी। अभी खाली आप ये समझ लीजिए, ज्ञानात्मक पक्ष का मतलब जो हमारे ज्ञान से संबंधित हो, क्रियात्मक जिसे शारीरिक क्रियाओं से संबंधित, और भावात्मक पक्ष का मतलब जो हमारे संवेदनों से संबंधित पक्ष है वो क्या कहलाएगा, भावात्मक पक्ष। ठीक है, ये क्या है, ये शिक्षण उद्देश्यों के आधार पर अधिगम के अगर प्रकार पूछे जाएंगे तो आप ये बताएंगे, अगर पक्ष कह दिया जाए, क्षेत्र कह दिया जाए, तो वो भी यही तीन होंगे। ठीक, इसके बाद अधिगम के स्तर की बात आती है, तो अधिगम के स्तर की बात करें तो अधिगम के स्तर को तीन भागों में बांटा गया है, स्मृति स्तर, अवबोध स्तर और चिंतन स्तर, या हम कह दें कि स्तरों के आधार पर अधिगम के प्रकार। अगर हम ये भी बात कह देते हैं कि स्तर के आधार पर अधिगम के प्रकार, तो वो भी तीन होंगे, स्मृति स्तर, अवबोध स्तर या चिंतन स्तर। प्रश्न कुछ भी पूछा जाए, अगर आपसे पूछ जाए अधिगम के स्तर, या पूछा जाए स्तर के आधार पर अधिगम के प्रकार, तो ये तीन प्रकार, इनको समझ लीजिए, आपकी समझ विकसित होनी चाहिए, फिर प्रश्न तो अपने आप सॉल्व हो जाएंगे। स्मृति स्तर सबसे निम्न स्तर कहलाता है, क्यों, क्योंकि ये रटने पर जोर देता है। ठीक, इसमें आपके विचारों का कोई महत्व तो नहीं होता, जो भी चीज आप अधिगम कर रहे हैं बस उसे रट लीजिए, एज इट इज, जैसा वो आपको दिया जाए वैसे ही रट लीजिए, आपके खुद के विचारों का कोई महत्व नहीं, तो वो क्या कहलाएगा, स्मृति स्तर कहलाएगा, इसीलिए सबसे निम्न है, जिसमें आपके विचारों का कोई महत्व तो नहीं तो वो सबसे निम्न है। ठीक है ना, विचारों का महत्व तो होना बहुत जरूरी है, अगर उसके आपके विचारों का महत्व तो नहीं, आपको एग्जिट जैसा कुछ कहा गया वैसा आपने रट लिया, तो वो कौन सा स्तर कहलाएगा, स्मृति स्तर कहलाएगा। अब बोध स्तर, इसमें क्या, इसमें आपका की समझ और ज्ञान, ये दो चीजें आधारित है, आपकी समझ और ज्ञान जो है अवबोध स्तर की पहचान है। जैसे मैंने आपको बताया ना कि बच्चा प्रत्यय बनाने लगता है, वो किस स्तर की बात है, वो आपकी ज्ञान और समझ, वो अवबोध स्तर, ये क्या, मध्य स्तर हो गया। और सबसे उच्च स्तर जो है वो कौन सा कहलाएगा, चिंतन स्तर। ठीक, चिंतन स्तर सबसे उच्च क्यों कहलाता है, क्योंकि इसमें ज्ञान, समझ और क्या साथ में क्या है, तर्क है। ठीक, इस स्तर पर क्या है, आपकी बच्चे के अंदर तर्क करने की शक्ति जागृत हो जाती है।
अब वो वैसी बात को नहीं मानेगा जो आपने कह दिया कि ये चीज ऐसे सही है तो ऐसे मान ले, नहीं वो अपने तर्क प्रस्तुत करेगा, नहीं ऐसे नहीं, इसको इस तरीके से भी तो कह सकते हैं कि वो क्या ये गलत है। इस तरीके के जब स्तर जागृत हो जाता है तो वो क्या कहलाता है, चिंतन स्तर, इस सर्वोच्च स्तर यही कहलाता है। अगर आपसे पूछे अधिगम का सबसे उच्च स्तर तो चिंतन स्तर, सबसे निम्न स्तर तो स्मृति स्तर। स्मृति स्तर में विचार प्रक्रिया का अभाव होता है, ये सबसे निम्न होता है, रटने पर जोर देता है। और इसमें क्या है, इसमें आपका तर्क साथ में चलता है। चिंतन स्तर में क्या होता है, क्योंकि इसमें चिंतन की प्रक्रिया जब प्रारंभ हो जाती है तो तर्क, कल्पना, ये सारी शक्तियां अपने आप आ जाती हैं। तो ये क्या कहलाता है, सबसे उच्च स्तर कौन सा है, चिंतन स्तर। ये अधिगम के स्तर हो गए, ठीक है। तो आशा करती हूँ आपको इतनी बातें आज समझ में आई होंगी। अगले वीडियो में अधिगम से संबंधित अगली चीजें लेकर आऊंगी। धन्यवाद।